दोस्तों ड्रीम गर्ल 2019 में रिलीज हुआ था, जो कि एक ह्यूज सक्सेस हुआ था उस टाइम पे। ड्रीम गर्ल मूवी जो बना था वो बना था सिर्फ 28 to 30 crores के बजट में, और उसका जो बॉक्स ऑफिस बिजनेस था वो था लगभग 20 crores। तो मेकर्स ने सोचा क्यों ना एक सीक्वल बना जाए ड्रीम गर्ल के ऊपर। तो उन्होंने इस साल ड्रीम गर्ल का सीक्वल, जो कि ड्रीम गर्ल 2 है, वो रिलीज करने का सोचा है। बेसिकली ड्रीम गर्ल 2 एक ड्रीम गर्ल का स्पिरिचुअल सीक्वल है। स्पिरिचुअल सुनने के बाद आप लोग कुछ दूसरा मत सोच लीजिए। स्पिरिचुअल इन द सेंस के जो ड्रीम गर्ल मूवी आया था ओरिजिनल, उसका सिर्फ मेन कैरेक्टर से सेम रहेगा, लेकिन उस मूवी से इस मूवी का कोई मतलब स्टोरी में कनेक्शन नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप लोग ट्रेलर में देखे होंगे कि आयुष्मान खुराना जो ड्रीम गर्ल में बेसिकली लड़की का आवाज निकाल के बात कर रही थी, तो इस मूवी में उसका एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन हुआ। वो ड्रीम गर्ल 2 में लड़की का आवाज निकाल के बात नहीं करेगा, पूरा ही लड़की बन गया है। तो क्या आयुष्मान खुराना जो ड्रीम गर्ल का मेन जो लीड रोल में है उसको अनन्या पांडे से प्यार हो जाता है। वैसे अनन्या पांडे का तो स्ट्रगल का चर्चा जगह जगह पे मशहूर है, लेकिन इस मूवी में अनन्या पांडे का एक्टिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दिख रहा था स्क्रीन पे। तो बेसिकली अनन्या पांडे का जो फादर है कंडीशन दिया, वो कंडीशन क्या है कि लड़के के पास जो आयुष्मान खुराना है उसके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए और 25 लाख बैंक में होना चाहिए। तो इसी को लेकर पूरा मूवी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉमेडी से भरा हुआ है। तो क्या करता है आयुष्मान खुराना, वो 25 लाख बेसिकली उसका अकाउंट में नहीं होता है, तो उसके लिए वो लड़का से लड़की बनने का जो ट्रांजिशन होता है उसी को लेके है, और उसी को लेके पूरा मूवी है। तो आयुष्मान खुराना क्या करता है, आयुष्मान खुराना जो ड्रीम गर्ल में लड़की का आवाज निकाल के बात कर रही थी और पैसा इनकम करता था, तो इस मूवी में उसने पूरा लड़की बन गया। और लड़की बनने के बाद वो बेसिकली एक बार या मतलब डिस्को टाइप का कुछ है, वहाँ पे जाके वो बार डांसर या ऐसा टाइप का कुछ मतलब रोल कर रहा है। तो जब तक मैंने पूरा ट्रेलर देखा मेरा मुंह में तो मतलब एक जगह भी नहीं था जहाँ पे मतलब मेरा स्माइल गया है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस मूवी में बहुत ही दिग्गज एक्टर है, जैसे अनु कपूर है, परेश रावल है, राजपाल यादव है। तो मतलब ये जितना भी एक्टर्स हैं वो मतलब उस लेवल पे जहाँ पे आप लोगों को कोई मतलब एंटरटेनमेंट का कमी नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और ड्रीम गर्ल की तरह ये मूवी भी मतलब बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाला है। तो आप लोग भी सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखिए, और आप लोग भी मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोग अगर मतलब ट्रेलर देखे हो तो ट्रेलर कैसा लगा, मेरे को भी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।